तो गाइज ये बैटल वीडियो दो किंग्स के ऊपर होने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मैं किसी और टीम की बात नहीं कर रहा, चेन्नई सुपर किंग्स एंड पंजाब किंग्स की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम आईपीएल 2021 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स एंड पंजाब किंग्स के स्क्वाड का कंपैरिजन करेंगे। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ टॉप ऑर्डर। तो चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप ऑर्डर में आपको यहाँ पे सात प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। सुरेश रायना एंड जगदेशन, फाफ डुप्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, चेतेश्वर पुजारा, रॉबिन उथप्पा एंड अंबाती रायुडू। वहीं पर पंजाब किंग्स के टॉप ऑर्डर में भी आपको सात प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। केएल राहुल, क्रिस गेल, डेविड मालन, मनदीप सिंह, मयंक अग्रवाल, निकोलस पूरन एंड प्रभ सिमरन सिंह। दोनों टीम्स के पास सात ऑप्शन है, दोनों टीम्स के पास अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें करंट फॉर्म के बारे में, तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सुरेश रायना को हमने बहुत टाइम से खेलते हुए नहीं देखा है। एंड जगदीशन, इनका डोमेस्टिक फॉर्म अच्छा रहा था। फाफ डुप्लेसिस बहुत टाइम से ब्रेक पे हैं। देन ऋतुराज गायकवाड़, आईपीएल के बाद इनको भी मैंने नहीं देखा है। चेतेश्वर पुजारा, इनको तो हम बहुत कम ही देखते हैं, सिर्फ टेस्ट में ही देखते हैं। इसके बाद रॉबिन उथप्पा अच्छे फॉर्म में है। अंबाती रायुडू, इनको भी मैंने बहुत टाइम से खेलते हुए नहीं देखा है, लेकिन ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। एंड हाँ, सुरेश रायना का ऐसा पता लगा है कि 26 तारीख को सीएसके का कैंप ज्वाइन करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए। एंड इधर अगर आप देखो तो मुझे कोई प्लेयर दिख नहीं रहा है। हाँ, एन जगदेशन है जो डोमेस्टिक में अच्छे फॉर्म में है, रॉबिन उथप्पा भी है, लेकिन उसके अलावा अफाफ डुप्लेसिस को भी कह सकते हो, बिकॉज जब तक वो खेल रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, पिछला साल भी अच्छा गया था। ऋतुराज गायकवाड़ भी जब आखिरी बार खेले थे तो बहुत अच्छा खेले थे। वहीं पर अगर हम बात करें पंजाब किंग्स के बारे में, तो पंजाब की तरफ से केएल राहुल जो T20 में मतलब आउट ऑफ फॉर्म चले गए थे, लेकिन लास्ट मैच की बात करें तो फर्स्ट ODI में कमाल का नॉक खेला केएल राहुल ने। एंड मैंने आप सभी को बोला था ये चैंपियन प्लेयर है, जल्दी वापसी कर लेगा IPL तक। एंड डेफिनेटली केएल राहुल ने वो किया और आगे भी वो करेंगे, बिकॉज केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म चले जाएं ये बहुत मुश्किल है। देन क्रिस गेल, लास्ट टाइम IPL बहुत अच्छा गया था और उसके IPL के बाद भी मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। डेविड मालन, इनका भी T20 सीरीज अच्छा गया नहीं था, लेकिन मैंने बोला था कि आखिरी मैच में अगर कुछ कमाल दिखा दे तो अच्छा रहेगा, और 68 रन भी स्कोर किया है डेविड मालन ने, तो अच्छी बात है पंजाब किंग्स के लिए। मनदीप सिंह लास्ट टाइम कुछ अच्छे नॉक खेले थे। मयंक अग्रवाल की बात करें तो मयंक अग्रवाल भी आई एम श्योर अच्छे फॉर्म में आ जाएंगे IPL तक, एंड फोर श्योर ये भी आपको अच्छा करते हुए दिखेंगे, पिछले साल बहुत अच्छा किया था IPL में। निकोलस पूरन, इनका भी फॉर्म अगर आप देखो तो बहुत अच्छा है, IPL में भी अच्छा किया था, बिग बैश लीग में भी अच्छा किया, T10 लीग में भी अच्छा किया। प्रभ सिमरन सिंह का भी डोमेस्टिक फॉर्म अच्छा है। तो पंजाब के प्लेयर्स अगर आप देखो तो ज़्यादा अच्छे फॉर्म में, तो इसीलिए इधर मैं पंजाब किंग्स के साथ जाना चाहूँगा। तो एक पॉइंट की लीड ले ली है पंजाब किंग्स ने। इसके बारे में बात करते हैं लोअर ऑर्डर के बारे में। तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास सात लोअर ऑर्डर प्लेयर्स हैं। महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, सैम करन, मिचेल सैंटनर, कृष्णप्पा गौतम एंड मोइन अली। वहीं पर पंजाब किंग्स के पास पांच लोअर ऑर्डर प्लेयर्स हैं। दीपक हुड्डा, मोइसेस हेनरी के, सरफराज खान, शाहरुख खान एंड फैबियन एलिन। चेन्नई के प्लेयर्स की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ऑलरेडी कैंप में जा चुके हैं एंड आई एम श्योर ये इस बार अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। रविंद्र जडेजा कमाल के फॉर्म में है, ड्वेन ब्रावो भी बल्ले से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सैम करन का भी T20 सीरीज अच्छा कुछ गया नहीं, फर्स्ट ODI में भी कुछ खास कर नहीं पाए हैं, लेट्स सी, उम्मीद करेंगे कि मतलब IPL आते आते ये फॉर्म में आ जाए। मिचेल सैंटनर भी अच्छे प्लेयर हैं, कृष्णप्पा गौतम भी अच्छे फॉर्म में है, मोइन अली को भी ज़्यादा इंग्लैंड ने मौका नहीं दिया है, और मैं शॉक्ड हूँ देख के कि मोइन अली को ज़्यादा मौका नहीं दिया गया है, बिकॉज कमाल के प्लेयर हैं और एक मैच मिला ODI में, वहाँ पे अच्छा भी किया है। अगर थोड़ी देर और खेलते तो शायद इंग्लैंड को वो मैच जिता देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मोइन अली आउट हो गए। तो ये सात प्लेयर्स हैं चेन्नई के पास। वहीं पर पंजाब के पास दीपक हुड्डा है, पिछले साल आखिरी मैच में चेन्नई के अगेंस्ट ही एक अच्छा नॉक खेला था। मोइसेस हेनरी केस भी अच्छे फॉर्म में है, सरफराज खान इनको तो हमने बहुत टाइम से अच्छा करते हुए नहीं देखा है, शाहरुख खान ये भी अच्छे फॉर्म में है, फैबियन एली गेंद से अच्छे फॉर्म में है फैबियन एली। तो इधर अगर आप देखो तो डेफिनेटली चेन्नई सुपर किंग्स के पास ज्यादा ऑप्शंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, ज्यादा इनफॉर्म प्लेयर्स है, तो नो डाउट इधर हम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जाना चाहेंगे। और चेन्नई सुपर किंग्स ने दूसरा राउंड जीत लिया है और एक एक की बराबरी कर ली है। आखिरी राउंड है बॉलर्स का। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरसीज पेसर्स के बारे में। तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास चार ओवरसीज पेसर्स है, ड्वेन ब्रावो, सैम करन, लुंगी नगीडी एंड जॉस हेजलवुड।
वहीं पर पंजाब किंग्स के पास भी चार ओवरसीज स्पेसर्स का ऑप्शन है, क्रिस जॉर्डन, जाई रिचर्डसन, मोइसेस हेनरिकेज एंड राइली मेरेडिथ। दोनों टीम्स के पास ऑप्शन है, अच्छे ऑप्शन है। और अगर आप बात करो क्रिस जॉर्डन की तो आप कह सकते हो वो एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं पंजाब के लिए, लेकिन चेन्नई के पास भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है ड्वेन ब्रावो। इधर सैम करन भी है जिनको मैं मोइसेस हेनरिकेज से बेटर बोलूंगा बिकॉज सैम करन के पास ज़्यादा पेस है। उधर अगर राइली मेरेडिथ है तो इधर भी लुंगी नगीडी है। अगर उधर जाई रिचर्डसन है तो इधर भी जॉस हेजलवुड है। जाई रिचर्डसन बहुत अच्छे फॉर्म में है लेकिन जॉस हेजलवुड भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। इंडिया के अगेंस्ट सीरीज बहुत अच्छा गया था इनका। अगर किसी गेंदबाज का सबसे अच्छा सीरीज गया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो वो फोर्स और जॉस हेजलवुड ही थे। पैट कमिंस ने भी टेस्ट में अच्छा किया था लेकिन लिमिटेड ओवर क्रिकेट में वो अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन जॉस हेजलवुड ने T20, ODI, टेस्ट सब में अच्छा किया था। तो इधर दोनों टीम्स के पास अच्छे गेंदबाज है। तो ये जो पहला सेक्शन था यहाँ पे हम किसी को भी जीत नहीं देंगे, इक्वल मान के चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। दूसरा सेक्शन है इंडियन पेसर्स का। यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के पास चार इंडियन पेसर्स है, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, KM आसिफ, हरिशंकर रेड्डी। वहीं पर पंजाब किंग्स के पास तीन इंडियन पेसर्स है, अर्शदीप सिंह, ईशान पोरेल एंड मोहम्मद शमी। देखो दोनों टीम्स के पास अच्छे गेंदबाज है, पंजाब के पास एक कमाल का गेंदबाज है मोहम्मद शमी, वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स के पास मैं बोलूंगा दो कमाल के गेंदबाज है, शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चाहर। दोनों T20 स्पेशलिस्ट हैं एंड शार्दुल ठाकुर अभी कमाल के फॉर्म में है। 4th T20 में इंडिया को जिताया बेन स्टोक्स एंड ऑयन मॉर्गन का विकेट लेके, 5th T20 में भी बैक टू बैक दो विकेट लिया एक ही ओवर में, फिर ODI में भी तीन विकेट लिया कल और इंडिया को जीत दिलाया। तो शार्दुल ठाकुर कमाल के फॉर्म में, दीपक चाहर भी कमाल के गेंदबाज है। अगर आप उनके स्टैट्स चेक करो पिछले कुछ सीजन में तो आपको पता लगेगा 2019 में 22 विकेट लिया था दीपक चाहर ने, 2020 में विकेट ज़्यादा नहीं ले पाए 12 विकेट लिया था, लेकिन इकॉनमी बहुत अच्छी थी 7.61 की और उससे पहले भी इकॉनमी 7.47 की थी 2019 में, तो इकॉनमी लगभग सेम ही था लेकिन विकेट्स पिछले सीजन कम लिया था। 2019 इनका बहुत कमाल का गया था। तो यहाँ पे मैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जाना चाहूंगा बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स के पास ज़्यादा T20 के अच्छे गेंदबाज है। मोहम्मद शमी अच्छे गेंदबाज है, अगर आप दूसरे फॉर्मेट की बात करो तो अगर आप शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चाहर को एक साथ भी ला दो ना फिर भी मैं बोलूंगा मोहम्मद शमी अच्छे गेंदबाज है अगर आप टेस्ट की बात करो तो, लेकिन अगर हम बात करें T20 की तो यहां पे मैं शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चाहर के साथ जाना चाहूंगा। तो इधर हम CSK के साथ जाते हैं, जो दूसरा सेक्शन था उसको CSK ने जीत लिया है और एक पॉइंट की ले लिया, अभी दो सेक्शन और बचा है, लेट्स सी उसको कौन जीतता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन स्पिनर्स के बारे में। तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास रविंद्र जडेजा, RSI किशोर, कृष्णप्पा गौतम, कर्ण शर्मा एंड सुरेश रायना है। वहीं पर पंजाब किंग्स के पास हरप्रीत बरर, जलत सक्सेना, मुरुगन अश्विन एंड रवि बिश्नोई है। दोनों टीम्स के पास अच्छे स्पिनर्स है आप देख सकते हो, लेकिन अगर पिछले सेक्शन में मैंने चेन्नई को फेवर किया है बिकॉज चेन्नई के प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे फॉर्म में, तो इधर मुझे पंजाब के साथ जाना पड़ेगा भले ही चेन्नई के पास ज़्यादा ऑप्शन है। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी से अच्छे फॉर्म में नहीं है, RSI किशोर इनको CSK मौका देता नहीं है, कृष्णप्पा गौतम का भी अगर आप पिछला दो सीजन देखो गेंदबाजी से IPL में तो बहुत खराब गया है, कर्ण शर्मा का भी पिछला सीजन खराब गया था और सुरेश रायना तो पार्ट टाइम है। वहीं पर अगर आप बात करो पंजाब की तो हरप्रीत बरर, जलत सक्सेना का डोमेस्टिक अच्छा गया था, मुरुगन अश्विन ने लास्ट टाइम अच्छा परफॉर्म किया था, रवि बिश्नोई तो इंडिया के आप कह सकते हो उभरते हुए सितारे हैं और पिछले साल अच्छा भी परफॉर्म किया था। तो इधर मैं पंजाब किंग्स के साथ जाना चाहूंगा। एक एक की बराबरी हो चुकी है, आखिरी राउंड में आखिरी सेक्शन बचा है, इसको जो जीतेगा वो इस बैटल को जीत जाएगा। आखिरी यहाँ पे सेक्शन है ओवरसीज स्पिनर्स का। चेन्नई सुपर किंग्स के पास तीन ओवरसीज स्पिनर्स हैं, मिचेल सैंटनर, मोइन अली एंड इमरान ताहिर। वहीं पर पंजाब किंग्स के पास एक है फैबियन हेली। अब यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पे इजी जीतता है। तो आखिरी सेक्शन को चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है और इस राउंड को 2-1 से जीत लिया है और ये राउंड को जीतने के कारण CSK को जाता है एक पॉइंट और CSK ने इस बैटल को 2-1 से जीत लिया है। अब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इन दो टीम्स में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कौन है एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टीम पे चाहिए नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अभी के लिए बस यही था वीडियो, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगले वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आप कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।